कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बायोफार्मास्यूटिक्स लेक्चर यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था एलिमिनेशन, और इसका हम लोग लेक्चर नंबर 3 शूट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फेज़ 1 एंड फेज़ 2 रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन क्या होते हैं। ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, बस यहाँ पे हमको रिएक्शन सारे देखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो फेज़ 1 जो टाइप 2 रिएक्शन होता है, दो प्रकार का फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 को बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन और फेज़ 2 बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये ऑलरेडी मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ। चलिए बात करते हैं फेज़ 1 में कौन कौन सा रिएक्शन होता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डी साइक्लाइजेशन, ओके। तो ये रिएक्शन देख लेते हैं फेज़ 2 में कौन कौन से होते हैं। ग्लुकुरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन, एसाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस, ये सारे कॉन्जुगेशन रिएक्शन है फेज़ 2 के। तो चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी से, आपको नोट करता है बिल्कुल एज इट इज सॉम सिंपल से लिख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फेज़ 1 रिएक्शन। पहला डाली हेडिंग ऑक्सीडेशन। तो आपको पहले ही पढ़ा है क्लास 11 12 में पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का एडिशन या हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक मेन प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्शन ऑक्सीडेशन के थ्रू ही होते हैं। और जब भी कोई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है तो क्या बनाता है, बाई प्रोडक्ट यानी मेटाबोलाइट क्या बनते हैं, इपॉक्साइड, सल्फर सुपर ऑक्साइड, क्विनोन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन देखा जाए तो कुल 9 प्रकार से होते हैं। जी हाँ, 9 प्रकार के बारे में जानेंगे बारी बारी से। पहला होता है ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन एटम का। तो नाइट्रोजन एटम क्या होगा, जो आप देखिए एमीन एटम होते हैं NH2, उस एमीन में H2 निकल के वहाँ पे O जुड़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हाइड्रोक्सिल अमीन बनेगा या तो नाइट्रो ग्रुप बनेगा। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए जैसे कि क्लोरफेनिरामीन, डैप्सोन और मेफेरिडिन में इस तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है। दूसरा है ऑक्सीडेशन एंड सल्फर एटम। इसमें क्या होता है, सल्फर का जो हाइड्रोजन एटम है थायो का, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ऑक्सीजन से। देखिए SH2 का रिप्लेस हो गया H2 की जगह, क्या होगा, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये रिएक्शन आपके सामने, इसका एग्जांपल देखिए किस किस ड्रग में ये होता है, क्लोरप्रोमाजीन और क्लोरमफेनिकॉल में ये रिएक्शन के द्वारा मेटाबॉलिज्म होता है। तीसरा है एलिफैटिक हाइड्रोक्सीलेशन, यानी कि जो एलिफैटिक चेन है कार्बन की, मेथिल, प्रोपेल, एथिल, है ना, एल्केन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब में जो H2 ग्रुप है उसको निकाल के O जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें होता है इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि देखिए RCH2CH3 है, यानी इसको बोल सकते हैं कि सिंपल सही एल्केन है, इसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ा, हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सैलिसिलिक एसिड से क्या बन गया, जेंटिसिटिक एसिड, आइबुप्रोफेन, टॉलब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड में इस तरह के ऑक्सीडेशन रिएक्शन पाए जाते हैं। अगला है सातवां, डी एल्काइलेशन एंड सल्फर एटम। तो एल्काइलेशन क्या होता है, सल्फर एटम में जो आपका CH3 ग्रुप लगा है उसको हटा देते हैं, तो उस CH3 ग्रुप को रिमूव कर देना भी एक तरह का देखा जाए तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये एग्जाम्पल किसमें होता है, 6-methyl-thiopurine से क्या बनता है, mercaptopurine। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन मतलब क्या होता है कि जो अमीन ग्रुप है NH2, उस अमीन ग्रुप का रिमूव होना, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे देखिए एम्फिटामीन में ये आपको रिएक्शन सामने दिख रहा है। और डीसल्फ्यूरेशन का मतलब सल्फर को रिमूव करके ऑक्सीजन को लगा देना, ये भी एक तरह का हमारा डीसल्फ्यूरेशन भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसका एग्जाम्पल है पैराथियन टू पैराक्सोल, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोक्सीलेशन की बात करेंगे। तो हाइड्रोक्सीलेशन मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ना, किसी भी एरोमेटिक ग्रुप में OH ग्रुप लगा देना, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये किसमें होता है, फेनिटोइन में, फिनोबार्बिटोन में और प्रोपेनोलॉल। बस आपको रिएक्शन लिखना है दोस्तों, अगर कॉपी में एग्जाम में पूछेगा तो आप बस और बस रिएक्शन को लिखिएगा, ठीक है। पांचवा है डी एल्काइलेशन एंड ऑक्सीजन एटम, CH देखिए RCOCOCH3 है, ठीक है, सिंपल सा आपका एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ये बन गया एल्कोहल और CHO। तो ये क्या है, फेनेसिटिन से क्या हो रहा है, पैरासिटामोल, ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। डी एल्काइलेशन एट नाइट्रोजन एटम, बिल्कुल जो पहले आपने देखा था कि एल्केली ग्रुप हटाएंगे CH3 यहाँ से और वहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप जोड़ देंगे, तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल इसका एमिट्रिप्टाइलिन से नॉट्रिप्टाइलिन बनना, ठीक है। अब कुछ एंजाइम और भी हैं जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं, जो कि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो वो ऑक्सीजनेज एंजाइम में कौन कौन से, माइक्रोसोमल दोनों होते हैं ना एंजाइम, एक माइक्रोसोमल होता है, एक नॉन माइक्रोसोमल। तो जो माइक्रोसोमल ऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं वो कहाँ होते हैं, लीवर में, साइटोक्रोम P450 ये करते हैं, ये इसको लिए NADPH और ऑक्सीजन चाहिए होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था लेक्चर नंबर 1 में।
और ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम कौन कौन से होते हैं, माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल पहले ही बता चुका हूँ ये सब ऑलरेडी आपको। तो नॉन माइक्रोसोमल में कौन कौन से एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, उसमें मोनोमिनो ऑक्सीडेज है माओ, ठीक है, क्या करता है ये एडिनलिन 5-HT को बनाता है टायरामिन में, और साइटोप्लाज्मिक एंजाइम में है डिहाइड्रोजिनेज है, और प्लाज्मा एंजाइम में हिस्टामिनेज और जेंथिन ऑक्सीडेज। ये सारा पॉइंट बाई पॉइंट लिखेगा जीपैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अगला है रिडक्शन प्रोसेस, अब आते हैं दूसरे रिएक्शन में। अब जस्ट उल्टा, वहाँ पे आपने क्या देखा था कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, इसको उल्टा कर दीजिए। अब हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का ऐड होना, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें भी देखिए रिडक्शन जो माइक्रोसोमल एंजाइम के द्वारा होता है, इसमें नाइट्रो रिडक्शन, जो NO2 ग्रुप है उसमें O हटेगा, H लगेगा, तो NO2 क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। इसका एग्जांपल है क्लोरोफेलिकॉल का क्या बनना, एरिल अमीन मेटाबोलाइट। कीटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब कीटो ग्रुप में जो O है उसको हटा के वहाँ पे H लगा देना, तो कीटो ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आपके सामने है, तो कार्टिसोन से क्या बनना, हाइड्रोकार्टिसोन। तीसरा रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस दोस्तों, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आपको पता है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को जब वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाता है, और इसी में एक एंजाइम होता है एस्टरेज, उसी के द्वारा इसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल है क्या, ईस्टर और वाटर मिलकर एस्टरेज के बनाते हैं एल्कोहल और एसिड। तो माइक्रोसोमल हाइड्रोलिसिस होता है पेथिडीन का मेफिडिनिक एसिड में, और नॉन माइक्रोसोमल एग्जांपल है एट्रोपिन का ट्रोपिक एसिड में, सारे के सारे लिख लीजिएगा। अगला है साइक्लाइजेशन रिएक्शन दोस्तों, इसमें क्या होता है, कोई भी एक ओपन स्ट्रक्चर है उस ओपन को में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन। जैसे मैंने कहा ब्यूटेन से साइक्लोब्यूटेन, प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन, हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन, दिस इज कॉल्ड साइक्लाइजेशन। और फिर इसी को उल्टा कर दीजिए कि साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन, यानी रिंग को ओपन कर देंगे तो डीसाइक्लाइजेशन, और रिंग ओपन को रिंग कर देंगे तो साइक्लाइजेशन। जैसे एग्जांपल आपके सामने प्रोगुआनिल है, और डीसाइक्लाइजेशन में फेनिडोइन और बारबिट्यूरेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेज टू रिएक्शन की, जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन या ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया था लेक्चर नंबर 1 में। इसमें क्या होता है, कुछ बड़े बल्कि ग्रुप जुड़ते हैं और पोलैरिटी को थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल है, इसमें ड्रग फेज 1 में मेटाबोलाइट जो होते हैं वो इंडोजियस सब्सटेंस के साथ जो होते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेशन बनाते हैं, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है। बेसिकली ये वीक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और जो इंडोजिनस सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ग्लुकोरोनिक एसिड, अमीनो एसिड, सल्फेट, एसिटेट, ग्लूटोथियन, इन सब के साथ जुड़ करके क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। और इसका मेन पर्पस होता है ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन करना, पोलैरिटी को बढ़ा के ड्रग को रिमूव करना और उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन किसे किसे होता है, देखो अगर कोई भी ड्रग कॉन्जुगेट बनाता है तो उस ड्रग के नेचर में क्या क्या चेंज आता है, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कि व्हेन एनी ड्रग बाइंड विद द कॉन्जुगेशन विथ अनदर कॉन्जुगेट, देन द डेयर क्या क्या नेचर चेंज होता है, उसकी हाइड्रोफिलिसिटी बढ़ती है पहली चीज़, क्योंकि वो पहले लाइपोफिलिक था ताकि वाटर में डिजॉल्व होता नहीं था, मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में, हाइड्रोफिलिक से या हाइड्रोफोबिक से, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा हाइड्रोफोबिक से। दूसरा आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी नॉन आयनिक फॉर्म में था वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि भाई जब भी कोई बड़ा बल्की ग्रुप आके जुड़ेगा तो मॉलिकुलर वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जो ड्रग पहले एक्टिव फॉर्म में था वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें बेसिकली आपकी होती है। अब जो फेज सेकंड में बेसिकली 7 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, उन 7 प्रकार के रिएक्शन को हम देख लेते हैं बारी बारी से। पहला है कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनिक एसिड, इसमें जो ग्लूकोरोनिक हमारा कॉन्जुगेट है उसके साथ ड्रग जब बाइंड करके एक ग्लूकोरोनिक कॉन्जुगेशन बनाता है। इसका एग्जाम्पल है UDP ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, ये इस एंजाइम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि ड्रग है, ये एंजाइम है UDPGA, ठीक है, UDPGA, ठीक है। तो इसमें क्या है कि माइक्रोसोमल ग्लूकोरोनिक ट्रांसफरेज एंजाइम से क्या होता है, ड्रग ग्लूकोपेन अलग होता है। इसका एग्जाम्पल है एस्पिरिन, पैरासिटामोल, पाबा, मेट्रोनिजोल, मॉर्फिन, डाइजो। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिएक्शन किस ड्रग के साथ होता है, तो ये एग्जाम्पल याद कीजिएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसमें बढ़ेगा, बाइलरी एक्सक्रीशन इसलिए बाइलरी एक्सक्रीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और जब ड्रग ग्लूकोरोनाइड एक्सक्रीट होता है बाइल में तो ये हमारे माइक्रोफ्लोरा एंजाइम के द्वारा ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव, फेनोफिथिलीन, इस सब इसी के द्वारा होता है। एसिटाइलेशन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि एसिटिल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा, इसको एसिटाइलेशन कहते हैं। COCH3 आप जानते हैं, COCH3 को एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे INH है, PAS है, ठीक है, INH मतलब आइसोनियाजाइड है, तो ये सब हाइड्रोलिजीन है, सल्फोनामाइड है, प्रोकेनामाइड है, ये जो ड्रग है सारे के सारे, ये सारे के सारे ड्रग इस मेथड से होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एमीन से एसिटिल एमीन बन जाता है, तो ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ही रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। अगला है कॉन्जुगेशन विद सल्फेट, सल्फेट ग्रुप यानी SO3H ग्रुप भी जुड़ेगा, तो वो भी आपकी पोलैरिटी को इंक्रीज करेगा, ड्रग के नेचर को चेंज करेगा, डिटॉक्सीफाई करेगा। तो ये बेसिकली इसमें ऐसे ड्रग के साथ होता है जिस ड्रग के साथ अमीनो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले से लगे होते हैं, ठीक है। तब शॉर्ट भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बहुत लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होते हैं आपके सल्फोन ट्रांसफरेज और सल्फोकाइनेज, ये एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से ड्रग के साथ होता है, जैसे मिथाइल डोपा, स्टेरॉइड, क्लोरोफेनिकॉल और वारफेरिन के साथ सल्फेट का कॉन्जुगेशन होता है।
अगला कॉन्जुगेशन विद ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपको पता है अमीनो एसिड होता है दोस्तों, तो ये भी हमारे बॉडी में इसका भी कॉन्जुगेशन होता है। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ऐसी ड्रग जिसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं उनमें ये देखा जाता है रिएक्शन बेसिकली। एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अगला है कॉन्जुगेशन विथ ग्लूटाथियॉन। तो ग्लूटाथियॉन भी हमारा एक तरह का देखा जाए तो आपका अमीनो एसिड के हैं, तो इसके साथ जब भी ड्रग होता है तो ऐसे ड्रग के साथ होता है ये रिएक्शन जिसमें एपॉक्साइड और क्विनोन ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स पैरासिटामोल, एथोक्रैनिक एसिड, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, ये सब इसमें इस्तेमाल होते हैं। अगला स्टेप है मेथाइलेशन, तो इसमें मेथिल ग्रुप जुड़ेगा। तो कहाँ जुड़ता है, ऐसे ड्रग जिसमें अमीन और फिनॉल ग्रुप है, जैसे एग्जांपल हिस्टामिन, एड्रेनालिन, निकोटिनिक एसिड, डोपामिन, मेथाइल डोपा, कैप्टोप्रिल, ये सब है। एंजाइम होता है मेथिल ट्रांसफरेज और एंडोजियस सब्सटेंस होता है सिस्टीन और मेथियोनिन। ठीक है, अगला है राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस। तो आपको पता है कि ऐसे जिसमें कि प्यूरिन या पिरिमिडिन बेस्ड जिस ड्रग में होते हैं उसमें ये पाया जाता है, जैसे एग्जांपल 6-मर्फेप्टोप्यूरिन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं, फेज 1 फेज 2। लेक्चर नंबर 4 में आपके सामने फिर आएंगे, तो इस ड्रग का टॉपिक नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म के बाद का टॉपिक है एक्सक्रीशन, उसको मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।